स्टूडेंट वेलकम इन दिस न्यू लेक्चर सीरीज ऑफ पावर सिस्टम वन द टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ थ्री कोर केबल फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पैरामीटर ऑफ द अंडरग्राउंड केबल की बात की थी जिसमें हम लोगों ने इवेलुएशन ऑफ रजिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल एंड इवेलुएशन ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कोर केबल की डिस्कशन की थी तो जब भी हम अंडरग्राउंड केबल यूज़ करते हैं जस्ट लाइक अ ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मेनली जो हमारे पैरामीटर होते हैं दीज आर द रजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एंड मोस्टली अगर हम इन जनरल प्रैक्टिस की बात करें तो uh, जो ट्रांसमिशन लाइन का जो ओवरऑल रिएक्टेंस है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज द रिएक्टिव इम्पेडेंस इज ग्रेटर दैन योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ एनी ट्रांसमिशन लाइन अप्रॉक्सिमेटली बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अंडरग्राउंड केबल जब हम अंडरग्राउंड केबल की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्चुअली जो ओवरऑल पैरामीटर uh, है वो मेनली दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक इंसुलेशन रजिस्टेंस यानी जो हम इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कोर के सराउंडिंग में उसका रजिस्टेंस मेजर करना या इवेलवेट uh, करना वो इम्पॉर्टेंट है एंड द सेकेंड थिंग इज य द कैपेसिटेंस ऑफ ओवरऑल केबल क्योंकि हमारे केबल में मोस्टली मेजर जो पार्ट है वो इंसुलेशन है इंसुलेटिंग मटेरियल है सो डायलैक्ट्रिक मीडियम होने की वजह से हमें उसका कैपेसिटेंस मेजर करना बहुत जरूरी है और कंस्ट्रक्शन वाइज अगर हम अंडरग्राउंड केबल की बात करें सो देर आर टू थिंग्स वन कोर एंड सेकेंड इज़ द मेटेलिक शीत तो ड्यू बिकॉज ऑफ दैट एक पैरल प्लेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होता है उसकी वजह से कैपेसिटेंस फॉर्म होता है तो इसलिए हमारे लिए कैपेसिटेंस का मेजरमेंट करना इम्पोर्टेंट हो जाता है तो so, लास्ट में हम लोगों ने सिंगल कोर केबल में जहाँ पर एक कोर होगा और उसके सराउंडिंग इंसुलेशन होगा हम उसके लिए कैपेसिटेंस मेजर कर चुके हैं नाउ इन दिस हियर वी आर गोइंग टू इवेलुएट द कैपेसिटेंस ऑफ अ थ्री कोर केबल सो जनरली जब हम हायर पावर एप्लीकेशन में जाते हैं तो वी आर यूजिंग द थ्री फेज सप्लाई सिस्टम एंड थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में थ्री कोर केबल्स की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है सो अगर हम थ्री कोर केबल की बात करें सो इफ वी कुड एज्यूम दैट अ डायलैक्ट्रिक इज़ यूनिफॉर्म बिटवीन द कोर एंड द सीट ठीक जब भी जब हम थ्री फेज सिस्टम का कैपेसिटेंस इवेलुएट कर रहे होंगे तो हमारे लिए कुछ पॉइंट्स को एज्यूम करना जरूरी होगा इन कंस्ट्रक्शन वाइज इन साइड द अंडरग्राउंड केबल ऑफ अ थ्री फेज थ्री कोर सिस्टम Uh, क्या होगा कि आपका इंसुलेशन uh, हर एक प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट होगा मीन्स सपोज इफ़ यू आर यूजिंग द नॉर्मल थ्री कोर केबल द इंसुलेशन इन द अंडरग्राउंड केबल्स आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म लेकिन अगर हम हाई टेंशन या एक्स्ट्रा हाई टेंशन सप्लाई सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ ऑयल डक्स गैस इंसुलेशन इस तरह के भी फीचर्स होते हैं इस वजह से वहाँ जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंसुलेशन है वो मेंटेन नहीं होती है एंड डिफरेंट वैल्यू के इंसुलेशन अपीयर होते हैं बट फॉर आवर सिंप्लिसिटी हियर वी आर एज्यूमिंग दैट कि द ओवरऑल डायलैक्ट्रिक इन साइड दोर केबल इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इन बिटवीन द कोर एंड द शीत एंड इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ थ्री कोर केबल और इसी की वजह से हम इसको कैलकुलेट भी कर पा रहे हैं Uh, लेकिन नॉर्मली uh, हम अगर कहें कि ऐसा नहीं होता है सो इन अ थ्री कोर केबल सीथ इज एन अर्थ पोटेंशियल सीथ इज एट अर्थ पोटेंशियल यानी अगर हम अंडरग्राउंड केबल का स्ट्रक्चर देखें तो जो सराउंडिंग ये अगर हमने कोर को रिप्रेजेंट किया हुआ है सपोज दिस इज योर कोर और आउटर सरफेस इज नोन एज शीथ तो ये हमारा शीथ है तो जनरली हम शीथ को ग्राउंड मानते हैं या हम कह लें अर्थ पोटेंशियल पे ये प्रेजेंट होगा तो हम शीत को ग्राउंड मानेंगे या अर्थ पोटेंशियल मानेंगे नाउ देयर आर द सिक्स कैपेसिटेंस फॉर्म बिटवीन दिस सिस्टम अगर हम पूरे ओवरऑल सिस्टम का इक्विवेलेंट मॉडल देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें थ्री डिफरेंट कैपेसिटेंस दिस दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन यानी कैपेसिटेंस बिटवीन द कंडक्टर्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई सी टू यानी हम जो कोर के बीच में जो कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है उसको हम सी टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो कैपेसिटेंस इन बिटवीन सीथ एंड द कंडक्टर कंडक्टर और सीथ के बीच में जो कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है हम उसको बोल रहे हैं सीवन सो देर आर टू वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल बी फॉर्म इन बिटवीन द कोर एंड सी सीथ दैट इज सी वन इन बिटवीन द कोर टू कोर दैट इज सी टू तो कुछ इस तरह का हम कैपेसिटेंस का मॉडल डिजाइन uh, कर सकते हैं अंडरग्राउंड केबल का एंड डिस कैपेस्टेंस जो है ये हमने आपको बताया कि दोनों के बीच में होगा सो नाव लेट सी वन बी द कैपेस्टेंस बिटवीन द सीथ एंड द कंडक्टर और सी टू इज द कैपेस्टेंस बिटवीन द ईच कंडक्टर सो इट इज डिजायरेबल टू कनेक्ट दिस सिस्टम ऑफ कैपेस्टर इंटू अ इक्वेलेंट स्टार मॉडल अगर हम इस पूरे मॉडल को जो हमारे प्रीवियस डाइग्राम में था अगर इस मॉडल को हम देखें सो वी कैन

Since, the star point of the sheath potential and the other terminals are corresponding to the conductor so, star ka middle hai, ye sheath ka point hai which is grounded uh, sorry which is grounded and rest of the capacitance is the uh, that is the equivalent capacitance. So, since the star point of uh, sheath potential and the other terminal corresponding to the conductor of the cable, the whole system of the capacitor can be reduced in the following star system capacitance like a figure this a and b so the overall equivalent capacitance model 3 c 2 and uh, that will be means uh, in the previous diagram here this part so equivalent delta and star so there are two part this is delta and this one is the star so uh, one part is your डेल्टा एंड सेकेंड पार्ट इज योर स्टार सो इट कैन बी एक्वेलेंटली रिप्रेजेंटेड लाइक 3C2 डेल्टा पार्ट को और C1 वन इज इन पैरल विद डैट वन तो हर एक आम के लिए आपको 3C2 सी टू प्लस सी वन थ्री सी टू सी इफ यू टेक द इक्वेलेंसी ऑफ दिस तो C1 वन प्लस थ्री ऑफ इन ईच आम सो योर प्रीवियस मॉडल कैपेसिटन्स मॉडल कैन बी re uh, design uh, or re represent in a form of what equivalent capacitance model so this model is known as the equivalent capacitance model of a three core cable so now let how we can evaluate the capacitance so there are two unknowns c1 and c2 to be find out the capacitance per phase of the cable हमें केबल के हर, हर एक पर फेस हर एक फेस के लिए कैपेसिटेंस मेजर करना है सो वी नीड टू टेक टू मेजरमेंट इसके लिए हमें दो तरह के मेजरमेंट लेने होंगे फर्स्ट बंच ऑफ द थ्री कोर एंड मेजर द कैपेसिटेंस यानी हम थ्री कोर केबल्स के एक बंच बना देंगे लाइक दिस इसको हमने शॉर्ट कर दिया सो इफ ऑल दीज आर शॉर्ट सर्किटेड सो वॉट विल बी हैपन बंच ऑफ थ्री कोर एंड मेजर द कैपेसिटेंस बिटवीन द बंस्ड कंडक्टर ऑफ द सीट यानी हमने इसके एक मेजर कर लिया ये तो लेट द सी एक्स सी एक्स इज द कैपेसिटेंस हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं इसको बंच करके और इसके एक सो लेट सी एक्स इज गिवन बाई थ्री सी वन एज शोन इन फिगर ए अगर हम इसको सी एक्स को यहाँ पर इवेल्यूएट करें कैपेसिटेंस तो सी वन सी वन सी वन

सॉरी दिस वन एंड फ्रॉम दिस साइड टू दिस वन तो इसके अक्रॉस हमने कैपेसिटेंस मेजर किया एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सी वाई सो व्हाट सी वाई विल बी सी वन प्लस व्हाट टू सी टू यानी हम सी वन प्लस

तो C2 को हम सी एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो नाउ द कैपेसिटेंस पर फेस फ्रॉम फिगर B इज गिवन बाई C नॉट अगर हम फिगर B से देखें तो C नॉट अगर हम कंसिडर कर रहे हैं द कैपेसिटेंस पर फेस यानी पर फेस को हम C नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं देन C1 वन प्लस थ्री सी टू नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सी वन एंड सी टू फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन हियर एंड मीन्स अगेन फॉर्मुलेट इट देन यू विल गेट द इक्वे नंबर वन विच रिप्रेजेंट द पर फेस कैपेसिटेंस ऑफ अ थ्री कोर केबल द्री सी बाई टू सॉरी थ्री बाई टू सी वाई माइनस सी एक्स अपॉन सिक्स सो इन केस ऑफ टेस्ट फिगर आर नॉट अवेलेबल अगर टेस्ट फिगर नहीं अवेलेबल है यानि नॉर्मली हम ये मानते हैं कि अगर थ्री कोर केबल है और वो अवेलेबल नहीं है देन इन दैट केस वी वी कैन यूज द इम्पेरिकल फार्मूला सेवनस which gives the what it is a empirical formula for to evaluating the capacitance. So C naught will be what 0 .0 0.0299 epsilon r divided by ln 1 plus T plus T upon D 3.84 minus 170 T by capital T plus 0.52 T square upon T square micro farad per kilometer. So, that equation number 2 represents actually empirical formula for evaluating the capacitance of any 3 core cable. So, this empirical formula which directly use to measure the capacitance of any 3 core cable. Ka. So, where epsilon r is what that is the relative permittivity and the of the dielectric and d is what that is conductor and uh, diameter. So, d is what conductor diameter epsilon r is the relative permittivity. टी स्मॉल टी रिप्रजेंट द बेल्ट इंसुलेशन थिकनेस जो आपका इंसुलेशन है सपोज कोर है तो कोर के हम सराउंडिंग में क्या है एक इंसुलेशन लेयर है सो so इसको हम बोल रहे हैं बेल्ट इंसुलेशन थिकनेस तो जो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन है दैट इज रिप्रजेंटेड बाई स्मॉल टी एंड कैपिटल टी इज द कंडक्टर इंसुलेशन थिकनेस यानी ओवरऑल कंडक्टर का जो थिकनेस है यानि एक तो हो गया बेल्ट मीन्स so, uh, यहाँ पर आपने बेल्ट यूज किया है सॉरी लाइक दिस कोर और एक इंसुलेशन थिकनेस हो गया तो इंसुलेशन एंड दिस वन इज बेल्ट एंड इंसुलेशन ऑन द कंडक्टर तो ये दो आपकी थिकनेस हो गई एक आपको बोलेंगे बेल्ट इंसुलेशन थिकनेस रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी एंड सेकेंड को बोलेंगे आप कैपिटल टी कंडक्टर इंसुलेशन थिकनेस सो ऑल इन द सेम यूनिट और सभी को हम एक ही यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे द मेन अनसर्टेनिटी इन द फॉर्मूले फॉर्मूला इज दैट वॉट इसमें जो सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी है वो है आपका एफसाइलन आर द एफसाइलन आर इज़ द मेजर प्रॉब्लम क्योंकि रिलेटिव परमेटिविटी क्या होगी वो एक्चुअल मेजर करना दैट इज़ अगेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क और द टीजियस टास्क तो इस फॉर्मूले का बस एक ड्रॉबैक है कि इफ यू आर नॉट पुटिंग द दूरेट और द नियर टू द एूरेट वैल्यू ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी देन यू विल नॉट गेट द बेटर आंसर तो जनरली क्या होता है कि हम जो म्यू आर कंसिडर करते हैं दैट इज फॉर थ्री पॉइंट फाइव एंड मे बी टेकन फॉर द कैलकुलेशन तो नॉर्मली हम म्यू जो एप्सैलन आर ले रहे हैं वो उसकी वैल्यू हम एन एंड एवरेज थ्री पॉइंट फाइव कंसिडर करते हैं इन दिस केस बाई मीन्स वाई यूजिंग द इम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर इवेलुएटिंग द थ्री कैपेसिट ऑफ अ थ्री कोर केबल नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन मी सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सो लेटस्ट टेक अ वन एग्जाम्पल हियर लेट थ्री फेज थ्री कोर इन द प्रॉब्लम इट इज डिफाइंड द्री फेज थ्री कोर मेटल सीटेड केबल गेव्स द फॉलोइंग रिजल्ट एक मेटल शीटेड यानी आपके प्रॉब्लम में गिवेन है कि थ्री फेज सिस्टम है थ्री कोर केबल है मेटल सीटेड केबल गेवस द फॉलोइंग रिजल्ट ऑन टेस्ट ऑफ कैपेसिटेंस वे आर कैपेसिटेंस बिटवीन द टू कंडक्टर ब्रांचेस विद द सीट एंड

यानी ये कंडक्टर आपका सीत से बंच कर दिया गया है एंड सीथ एंड द थर्ड कंडक्टर तो आपको इसके बीच में यहां और इसके बीच में आपको मेजर करना है वॉट योर कैपेसिटेंस और वो वैल्यू आपकी गिवेन है जीरो पॉइंट फोर माइक्रोफेरेट एंड सेकेंड थिंग इज गिवेन कैपेसिटेंस बिटवीन बंच कंडक्टर एंड सीथ ऑल कंडक्टर्स आर बंसड

सो द कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर इज व्हाट 0.248 पॉइंट टू पर किलोमीटर यानी इसको हमने डिवाइड कर दिया है डिवाइडेड बाय टू क्योंकि दो कंडक्टर का आपको मिल गया तो नाउ टू कंडक्टर्स का नाउ सेकंड फॉर फ्रॉम द मेजरमेंट सी वन इज इक्वल टू दिस एंड सी टू इज इक्वल टू दिस तो सी और सी आपका दोनों मेजर हो गया So, what the equivalent circuit for measuring the capacitance between two bunch conductor and third conductor will be uh, shown in figure this, where C1 and C2, this is a bunch C1 and C2 C2 bunch and it, uh, it connected to the sheath. So, the, this kind of equivalent circuit is formed and we, we are trying to get the value of capacitance here. सी इज इक्वल टू टू सी टू प्लस टू बाई थ्री सी वन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू सी वन एंड सी टू द कैपेसिटर सी इज वैल्यू विल बी दिस वन तो आपने कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट कर लिया नाउ चार्जिंग करेंट इज वॉट डायरेक्टली यू कैन टेक द फॉर्मूला चार्जिंग करेंट इज इक्वल टू फेजर वोल्टेज वी पी एच अपॉन वी पी एच सो लाइन टू लाइन वोल्टेज इज गिवन सो वी बाई रूट थ्री ओमेगा सी नॉट इंट पॉ माइनस थ्री पुट ऑल द वैल्यूज यू विल गेट द चार्जिंग करेंट वैल्यू हियर सो यू कैन सी कि अगर इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सो जस्ट ट्राई टू मेक अ इक्वेलेंट कैपेसिटेंस मॉडल सर्किट मॉडल आप बनाइए एंड देन सॉल्व इट देन नेक्स्ट टॉपिक इज योर लेइंग ऑफ केबल लेइंगबल मीन्स कि हाउ माउंट द अंडरग्राउंड केबल इन द ग्राउंड अगर हम ग्राउंड में देखें कि किस तरह से अंडरग्राउंड केबल को प्लेस करते हैं यानी जब हम अंडरग्राउंड केबल को यूज़ कर रहे हैं पावर ट्रांसफ़र के लिए तो हम इसको क्योंकि सरफेस के नीचे रखना है तो दे आर वेरियस टेक्निक्स विच इज़ नोइंग एज लेइंग ऑफ द केबल यानी जिसको हम आम तौर की बोलचाल की भाषा में बोलते हैं दैट इज़ केबल को बिछाना सो हाउ वी लेइंग द केबल इन दर्व ग्राउंड तो उसके भी कई सारे मेथड हैं सो मेनली

अंडरग्राउंड में आपको केबल को प्लेस करना है और रेस्ट ऑफ द पार्ट को सॉफ्ट सॉलिड और या सैंड से फिल करके ऊपर कवरिंग ब्रिक से कवर करके एंड जस्ट फिल द सॉयल इन दिस ट्रेंच तो एक ये सिंपल मेथड है आपका केबल को ले कर ले आउट करने का डायरेक्ट मेथड के एडवांटेजेस हैं कि दिस मेथड इज़ अ चीप एंड सिंपल गिव द बेस्ट कंडीशन फॉर डेसीपेटिंग द हीट एंड जनरेटेड इन केबल हीट आसानी से डिस होता है एलिमिनेट ट्रबल ड्यू टू द वाइब्रेशन काज बाई द ट्रैफिक और जो वाइब्रेशन हो रहा है ट्रैफिक की वजह से उसको भी एलिमिनेट कर रहा है बट दिस टेक्निकविंग द डिसडवाटेज वॉट एक्सटेंशन ऑफ लोड इज पॉसिबल ओनली बाई इंस्टॉले इंस्टॉलिंग अ केबल इन न्यू ट्रेंज अगर आपको ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है और आपको न्यू कंडक्टर की रिक्वायरमेंट है सो यू रिक्वायर टू मेक अ न्यू ट्रेंच एंड इस्टेब्लिश अ वन अंडरग्राउंड केबल देन इनका डबल मीन्स इनका डबल द कॉस्ट ऑफ ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ केबल फॉर न्यू लोड और जो कॉस्ट भी है वो भी आपकी क्या होगी डबल हो जाएगी ड्रॉन इन सिस्टम में क्या होता है मल्टीपल बट एंडेड स्टोन वेयर कंडक्ट यानी स्टोन वेयर कंडक्ट मीन्स हम एक सॉलिड uh, स्ट्रक्चर में के अंदर एक डक क्रिएट कर देते हैं स्टोन स्ट्रक्चर के स्टोन वेयर के अंदर और इन डक में क्या करते हैं अपने अंडरग्राउंड केबल को प्लेस करते हैं सो यू कैन प्लेस द मल्टीपल नंबर ऑफ कंडक्टर इन दीज डक्स सो दिस इज द और एडवांटेज है इजी है रिपेयर करना क्योंकि वेन एवर द प्रॉब्लम इज देयर यू जस्ट पुल आउट द कंडक्टर केबल फ्रॉम दीज डक एंड चेक इट और मेनटेन इट और दूसरा है कि अल्ट्रेशन और एडिशन ऑफ न्यू लोड कैन बी मेड विदाउट डिगिंग द ग्राउंड आपने पहले से अगर डक क्रिएट कर रखे हैं तो विदाउट डिगिंग द ग्राउंड आप उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ कंडक्टर्स ऐड कर सकते हैं यानी सॉरी केबल एड कर सकते हैं लेस इंस्टॉलेशन कॉस्ट फॉर द न्यू लोड अगर नया लोड ऐड होता है तो आपको अलग से इंस्टॉलेशन कास्ट नहीं बेयर करनी होगी

ठीक है जहाँ पर आप अपने अंडरग्राउंड केबल को प्लेस करेंगे एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी फिलिंग बाई द बिटुमस मटेरियल जो कि सॉफ्ट मटेरियल लाइक सैंड और इस, इस तरह के मटेरियल यूज करते हैं और इसको फिर हम कवर कर देते हैं कॉन्क्रीट का ऑफ स्ट्रक्चर से तो इसके भी अपने एडवांटेज हैं कि थ्रोटिंग मटेरियल वुड चीपर देन द अदर एंड डिसएडवांटेज कि मोर एक्सपेंसेस है और परमानेंट कंस्ट्रक्शन होने की वजह से तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी सो so, दीज आर द केबल uh, फॉल्ट अगर हम बात करें तो केबल फॉल्ट विच आर द मोस्ट लाइकली इंकर्ड अ ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन ऑफ केबल विच अलाउज़ करेंट टू फ्लो फ्रॉम द कोर टू अर्थ और द केबल सीथ की वजह से हो सकता है यानी करंट जो है हमारी वो केबल सीथ से या तो ग्राउंड हो जाए या तो कोर से इंसुलेशन ब्रेकडाउन के बाद सीथ को टच कर जाए शॉर्ट सर्किट विच इज़ द इंसुलेशन बिटवीन द टू केबल दो कोर के बीच में अगर ब्रेकडाउन हो जाए मल्टी कोर केबल में एंड ओपन सर्किट अगर हमारा कंडक्टर ब्रोकन हो जाए सो दीज आर द बेसिक मीन्स थिंग्स रिलेटेड टू योर कैपेसिटेंस स्पेशली लेइंग ऑफ द कैपेसिटेंस सो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ थ्री फेस और थ्री कोर केबल अंडरग्राउंड केबल और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ बेसिक एजम्पन्स लिए थे जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजम्पन ये था कि वी आर कंसिडरिंग दैट द इंसुलेशन इज़ इन यूनिफॉर्म इन द केबल केबल में ओवरऑल जो टोटल वॉल्यूम है उसमें जो इंसुलेशन है हम उसको यूनिफॉर्म मानते हुए केबल uh, का कैपेसिटेंस इवेलुएट कर रहे हैं केबल कैपेसिटेंस इवेलुएट करने के लिए हमने uh, उसके कैपेसिटेंस के इक्वलेंट मॉडल का यूज़ किया और जो टोटल हमारा कैपेसिटेंस uh, मॉडल uh, है उसको उसके थ्रू हम लोगों ने दो तरह के मेजरमेंट लिए एक हमने कोर uh, को बंच करके और कोर और सीट के बीच का कैपेसिटेंस मेजर किया देन सेकेंड हमने सीट को दो कोर के साथ बंच uh, करके और उसकी हेल्प से फिर उसके क्रॉस कैपेसिटेंस मेजर करके और हमने इन दो टेक्निक के थ्रू ओवरऑल कैपेसिटेंस को इवेलुएट किया सो दीज टू टाइप ऑफ experimental things we are using for evaluating the capacitance of a underground cable and thereafter uh, hum logon ne ye bhi discuss kiya ki कि underground cables ke laying ke kya kya method hain to तो underground cables ko laying matlab ki jab hum usko underground mein install karenge ya establish karenge to usko lay उसको हम किस तरीके से किस मेथड से इस्टेब्लिश करेंगे या layout करेंगे तो layout करते समय first है कि हम डायरेक्टली बस डिक करके एक ट्रेंच क्रिएट करके उसमें कंडक्टर को केबल uh, को माउंट करके और फिर उसको हम फिल कर दें बाय द सैंड्स एंड द सोइल और दूसरा हमारा है कि हम स्टोन का डक क्रिएट करें और उस स्टोन डक जो क्रिएट किया है उसके अंदर हम कंडक्टर को प्लेस करें एंड द थर्ड मेथड इज़ योर योर परमानेंट मेथड दैट इज़ ए सॉलिड मेथड वेयर वी आर क्रिएटिंग अ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जिसमें हम कंडक्टर को प्लेस करने के लिए या हम कह सकते हैं हमारे अंडरग्राउंड केबल को प्लेस करने के लिए अलग अलग चैम्बर्स क्रिएट करते हैं एंड इन चैम्बर्स को पहले हम वुडन या फिर कुछ सॉफ़्ट मटेरियल से फिल करके और फिर उसके ऊपर से हम सैंड एंड सोयल को कवर करके पूरी तरह से कंप्लीट uh, कर दें so, सो इस तरह के हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किए सो आई होप द टूडे लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू These are the references. Uh, these are that your textbook, uh, which is prescribed by UP Technical University, and you can go uh, to uh, means you can refer these books for solving the some numerical problem as well as uh, to clear the concept in some little detailed manner. Okay. so thank you.